नीली से मोहब्बत की है ना तुमने, तो फिर खाओ उसकी कसम कि तुम आओगे। नीली की कसम खाता हूं, मैं आऊंगा। मुझे मौत क्यों नहीं आ तो गई है, नीली का बुलावा आया है। तुम्हारा परवेज आ गया है नीली। अब आयो तुम? थे जब आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। जिंदगी छोटी हो गई, बहुत लंबी। तुम मुझे सजा दो, मुझे सजा दो, लेकिन जो जो, जो यहां पे रहते हो उनको छोड़ दो, जो बच्ची को छोड़ दो।
ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसको। आपको क्या लगता है इसके यहां आने से कोई फायदा हुआ? थोड़ा सब्र से काम लो, इसे होश आ जाए फिर देखते हैं। एक दफा मेरी बच्ची उसके हिसार से निकल जाए फौरन ये घर छोड़ दूंगा, पलट कर भी नहीं देखूंगा इस घर की तरफ। मैंने आपको पहले याद करवाया था, कौन सा वाला? इसके वाला ये दूसरा, अपने नाम हाथ हार लगाना था। नहीं, आगे वाला करो, आप आगे करो। आई थिंक पहले एपिसोड में ये वाला याद किया था ना, तो फिर आप भूल क्यों रहे हो? क्या इसका नोज देखो और इसके बाजू देखो ये। मेरी भी किसी ने मानी नहीं है, सारे दिल से इस बच्ची ने छोड़ देते बच्ची को उसके पास। वैसे भी ये है तो मासूम था, सारी जिंदगी रोज बनी रहेगी मेरे बेटे पर। किस तरह की बातें सोच रही हूँ, इसी बात में मुझे सोचने भी नहीं चाहिए। हो ना हो जरूर ये डाइन मुझसे कलवा रही है, मुझे बहका रही है। ये क्या है? पंजीरी है, सूखे मेवे से बनती है, देसी घी में, इसमें बहुत ताकत है। ये आजकल बात बात पे तुम आंखें क्यों गीली कर लेती हो? जब भी मेरे लिए कुछ लाएंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, तो आपको चुप चुप कर करना पड़ेगा ना। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। क्या नहीं पता था? यही मेरी शादीशुदा आदमी की जिंदगी जो एक चक्की के दो पार्टों के बीच में पिस के रह जाएगी, एक तरफ अम्मा एक तरफ बीवी। लेकिन मैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं करती। यही तो, इसी का तो दर्द है मुझे, इसी तो तुम्हें चक्की का दूसरा पाटा कह रहा हूं। लड़ो मुझसे, घर छोड़ जाने की धमकियां दो मुझे, उठते बैठते अम्मा की शिकायतें लगाओ मुझसे, नाक में दम करके रख दो ताकि मेरी मुश्किल तो खत्म हो, दर्द तो खत्म हो। नहीं नहीं, मैं चक्की का दूसरा पार्ट बनने के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जब बेटा होगा ना, तुम देखना अम्मा बिल्कुल बदल जाएंगी, मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी, बिल्कुल मिस्त्री की डल्ली बन जाएंगी। बेटा नहीं होगा। कैसे बातें कर रही, तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, वो बातें करती है मुझसे। कौन? मिनाल, उसका नाम मिनाल रखूंगी और हम उसे मन्नु बुलाएंगे। मन्नू?
मुझे जो आया जिसको उसने से हवा में लटक रहा शोर है उसका जी। तुम्हें तो बताया होगा उसने कि उसने नीली को कैसे मारा है जी। तो तुम मुझे बताओ ना शायद मैं उसके शैतानी हरबों का कुछ कर सकूं। मुझे सजा दो लेकिन लेकिन जो जो, जो यहाँ पे रहते हैं उनको छोड़ दो बच्ची को छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ कि जिसने आते ही अपने शौहर को हवा में लटका दिया जो खुद लटका हुआ है वो हमारी क्या मदद करेगा। स्टोरी के स्टार्ट में जितने भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं ना यहाँ पे दिए होते हैं ये देख रहे हैं आप। ओके चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके इसको मुझे दो नाल इधर आओ। अम्मी भाभी ने बोला कि मीनाल अब मेरे पास रहेगी तो आप इसे मेरे पास रहने दें हम स्टोरी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा है ना इसको मेरे पास भेजो आ जाओ। अम्मी रहने दें हम पढ़ रहे हैं ना। आज तो बहुत मोहब्बतें जाग रही हैं आपकी। ये सब आपको मुझसे छीनना चाहते हैं आपको पता है इसी तरह इन्होंने पहले भी आपको मुझसे छीन लिया था लेकिन तब मैं कमजोर थी ना है क्यों परवेज की वजह से। मर्द की मोहब्बत ऐसी होती अगर वो सामने से मर्दाना बार आकर मोहब्बत करे तो आपकी ताकत बन जाता और अगर चुप चुप कर डर डर कर करे तब मैं डरती थी ना इस खौफ से कि परवेज मुझसे छिनना जाए और इसीलिए मैंने अपनी मन्नू को खो दिया लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूं कोई आपको मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी मन्नू सिर्फ मेरी मैं किसी को से मुझसे छीनने नहीं दूंगी पर वे इसको भी नहीं। चाहती हो तो क्यों कर रही हो ये सब छोड़ दो मिनाल की जान हम सब की जान छोड़ दो मेरी बेटी मुझे दे दो मेरी बेटी। Thank you.
जैनाल। मिनाल, 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 क्या चाहती है वो मुझसे? क्यों मिनाल को मुझसे दूर कर रही है? अमान, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? प्लीज हिम्मत से काम लो। मैं कई महीनों से उससे लड़ रही हूँ और अब आप और आलम साहब भी इस लड़ाई में शामिल हो गए और वो एक एक करके हमको हरा रही है। आप क्यों लाए थे हमें इस घर में? नहीं लाना चाहिए था आपको। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे। हम मिनाल के साथ जाएंगे ना यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर कैसे जा सकते? तो फिर कहाँ है वो? मिल क्यों नहीं रही है? हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहाँ ले गई है उसको? अमान, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अमान प्लीज मुझे मेरी बेटी। ताए? कहाँ गई भाई बेटी? आपने कहा था आप उसकी कहानी पता लगने के बाद, परवेज के आने के बाद आप बताए पता। हमारी मिनाल ये है, ये वो मर गई। बहुत सालों पहले वो मर गई नीली। तुम्हारी मिनाल मर चुकी है। देखा आपने? देखा मेरी नीली को? देखा आपने? वो अब भी उतनी खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत है वो। मुझे देखो, मैं वक्त और दुख के दीवक ने मुझे कैसा चाट लिया, या शायद मेरे पछतावे ने मुझे इतना बदसूरत बना दिया। देखो परवेज, माजी में जाकर उसे कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन तुम आज भी कुछ अच्छा करके माजी में की हुई गलतियों का कुफारा अदा कर सकते हो। वो मुझसे भी नफरत करती है, वो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। इस वक्त मिनाल से ज्यादा अहम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुमने जैसे ही कहा कि मिनाल उसकी बेटी नहीं है, उसने तुम्हें भी हवा में लटका दिया, लेकिन उसने तुम्हें मरने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा और उसका आज भी कोई रब्त है, कोई ताल्लुक है। उसे समझाओ, उससे बात करो, उसे बताओ कि मिनाल को अपनी गिरफ्त से छोड़ दे। मिनाल, मान की बेटी का नाम मिनाल है। बेटा नहीं होगा। कैसे बातें कर रही? तुम्हें कैसा पता? मुझे पता है, बातें करती है मुझसे। कौन? मिनाल।
उसका नाम मिनाल रखूंगी और हम उसे मन्नू बुलाएंगे। परवेश, तुम कुछ करोगे या नहीं? वो भी अपनी बेटी का नाम मनाल रखना चाहती थी। इसीलिए वो अमान की बेटी के पीछे है क्योंकि उसका भी नाम मनाल है। देखो परवेश, इस किस्म की गैर मरई कुवतों को समझने की कोई लॉजिक, कोई तावील नहीं होती। जो तुम कह रहे हो सकता है वही सच हो, लेकिन वो एक बहुत मजबूर मां है जिसके साथ भयानक ज्यादतियां की गई हैं, जिसे अपनी बच्ची को देखने भी नहीं दिया गया। वो उस मिनाल को अपनी बेटी समझकर बैठ गई है। उससे बात करो, उसे समझाओ, वरना क्या? वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम मेरी नीली के साथ? तुम्हारी नीली सच्चाई को झुठलाकर एक झूठ के सहारे जिंदा है, और झूठ और फरेब जब इंसान पर गालिब आ जाए तो इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। तुम्हारी नीली पर भी इस वक्त बुराई गालिब आ चुकी है। मैं चाहूं तो अल्लाह पाक के कलाम की मदद से मिनाल को उसके गिरफ्त से आजाद करवा सकता हूं, लेकिन इसमें मिनाल की जान को भी खतरा है और तुम्हारी नीली। क्या मेरी नीली को क्या होगा? उसे एक बार फिर शदीद अजियत से गुजरना होगा। बस यूं समझ लो, उसे एक बार फिर आग में जलना होगा। जो अपनी जिंदगी में आग में जल चुकी है, इतनी तकलीफें झेल चुकी है, मैं उसे मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता। इसीलिए कह रहा हूं, उसे समझाओ, उससे बात करो, उसे बताओ कि सुम्बुल रहमान की बेटी को छोड़ दे। मैं बात करूंगा, तुम मेरी नीली को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैं बात करूंगा उससे। कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी मनाल को छुड़ाने के लिए उसको उसकी मनाल देनी होगी। मैं उसकी मनाल को लेने जा रहा हूं। साहब, आलम साहब से कह दीजिए कि मेरी नीली को कोई हैसियत ना दे, चाहे भले मैं मर जाऊं, मगर आपको आपकी मनाल जरूर मिलेगी। बस मेरी नीली को कुछ नहीं होना चाहिए। चाय बना कर लाऊं आपके लिए? नहीं आलिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
क्यों खुद को हलकान कर रही हो? अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वो मेरी बेटी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती है? तुम लोगों को एक वाक्या सुनाती। मेरी अम्मा जाने ये वाक्या सुनाया करती थी। बहुत पुरानी बात है, कोई 100-125 साल पुरानी बात है, लेकिन बिल्कुल सच्चा वाक्या है। मेरी अम्मा के एक मामू थे, बहुत नेक परहेजगार अल्लाह वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। फिर क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उनको बेटा अता किया और उन्होंने अपने बेटे का नाम मजीद रखा। ये बहुत लोगों के आंखों देखी बात है, बिल्कुल सच्चा वाक्य है। वो जो मजीद, वो मेरी अम्मा जान से काफी साल बड़े थे, तो मेरी अम्मा जान उन्हें मामू मजीद कहती थी। बड़े प्यारे मासूम से मामू मजीद। एक दिन उनकी माँ ने, यानी मामू मजीद की माँ ने, उनको जुमे की नमाज के लिए नहला धुला कर सफ़ेद कुर्ता पहनाया। सर्दियों के दिन थे। मजीद मामू होंगे कोई 6-7 साल के। धूप में रखी चारपाई पे मजीद मामू को बिठा दिया। मजीद मामू के जो अब्बा, जो एक बहुत नेक अल्लाह वाले इंसान, वो गुस्ल ले रहे थे, जुमे की तैयारी कर रहे थे। अपने बेटे को उन्होंने पहली बार अपने साथ मस्जिद जुमा पढ़ाने लेकर जाना था। वो जब तैयार होकर गुस्ल लेकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि मजीद मामू गायब हो गए। फिर क्या हुआ? अम्मी, उसकी माँ, उसके तो हाथ पांव फूल गए, रो रो के उसने अपनी आंखें सुजा ली। लेकिन मजीद मामू के जो अब्बा, जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह अल्लाह करने वाले, वो खामोशी से उस चारपाई के ऊपर बैठ गए और अल्लाह का जिक्र कलाम शुरू कर दिया और बार बार अपनी घरवाली को हौसला दे रहे थे कि तुम रो नहीं, मजीद वापस आ जाएगा। और फिर वही हुआ कि 3-4 घंटे के बाद मजीद खुशबुओं से नहाया हुआ, इतने बड़े बड़े गुलाब के फूलों का भारी सा हार पहना हुआ वापस आ गया। और वो ऐसे नमोदार हुआ उस चारपाई पे जैसे हवा में किसी ने दरवाजा खोलकर उसे वहां मिटा दिया। कहते हैं कि उस दिन पूरा गांव मजीद मामू के घर पे इकट्ठा हो गया। इतनी खुशबुएं आ रही थी, इतनी खुशबुएं आ रही कि गांव वाले हैरान थे कि ये जन्नत जैसी खुशबू कहां से आ रही है। और मजीद मामू अल्लाह की इस करनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे, खूब अपने माँ बाप का प्यार बटोर रहे थे। कहते हैं कि कुछ नेक जिन्हों ने जब इतना प्यारा बच्चा देखा तो उसे अपने साथ ले गए और
फिर खुद ही वापस छोड़ गए। तुम्हारी मिनाल प्यारी है, बल्कि बहुत प्यारी है। तुम शुक्र अदा करो कि उस पर किसी बुरी कुवत का कब्जा नहीं है। वो बाकियों के लिए डायन होगी, लेकिन मिनाल से तो प्यार करती है, इसलिए तुम अपने दिल को इत्मीनान दो बेटा कि वो तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी मिनाल भी वापस आ जाएगी ना? इंशाल्लाह वापस आएगी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कैसे बातें कर रही तुम्हें, कैसे कैसे मुझे पता है, बातें करी थी मुझे। कौन? मिनाल, उसका नाम मिनाल रखो और हम उसे मन्नू बुलाएंगे। देखो नीली, ये मेरी और तुम्हारी बेटी है, इसमें अब भी हल्की महक है, उसकी कब्र की मिट्टी है, वो भी मिट्टी में मिट्टी हो चुकी। ये देखो, मैं तुम्हारी बेटी लाया हूं, देखो। नीली, नीली देखो, हमारी बेटी यकीन नहीं आ रहा है, मुझ पे अगर यकीन नहीं है तो अपनी ममता पे यकीन कर ले। ये देखो, छू के देखो,
अब भी हमारी बेटी की खुशबू आ रही है। वो मनाल तुम्हारी मनाल नहीं है, ये है, ये हमारी मनाल, ये है, ये वो मर गई। बहुत सालों पहले वो मर गई नीली, तुम्हारी मनाल मर चुकी है। ये तुम्हारी बेटी, ये Thank you.